सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ सचिन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज एक खास बात हो गई है, दुर्गेश भाई को टिकट मिल गया है और वो आ रहे हैं फाइनली। आ रहे हैं दुर्गेश अंकल, आ रहे थे, तू पूछ रहा था ना, बैनर लेके आते हैं। चलो तो अब जो है दुर्गेश भाई भी आ रहे हैं तो थोड़ा प्लान में चेंज हो जाएगा, फिर से बेड वगैरह जो है वो अलग सेटिंग करना पड़ेगा, देखते हैं। पहले बैनर तो लेके आते हैं यार, चलो। अब ना जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिल रही है ना, भीड़ भी बढ़ रही है, देखो लोग रास्ते पे आने लग गए हैं। ते आहे पण ते मला कॅरी करायला त्रास होईल जास्त। हां गुड, वाह वाह परफेक्ट, बैनर मिल गया फाइनली। अब उसको घर पे जाके एक बार चेक करेंगे, साइज तो परफेक्ट है उसका, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक एक काम हो रहा है अपने, ये देखो ये भी आ गया है, और ये और एक काम रह गया था वो करने पड़ेगा। ये अपना इंश्योरेंस आ गया है गाड़ी का ओरिजिनल वाला, और ये अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी आ गया है। चलो एक काम तो रह गया यार, पीयूसी निकालना। वैसे पीयूसी चलने वाला है मेरा जुलाई तक, बट यार बीच में अगर मुझे ज़्यादा टाइम लग गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं से पीयूसी भी निकाल के लेना चाहता हूँ। क्योंकि यार बीच में पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, और उस एक छोटी सी चीज़ के लिए मैं मेरा मिशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। चलो वो भी करके देखते हैं आज। अब सीन अलग हो गया मेरा, यहाँ पे इनको आरटीओ की तरफ से एक्सेस नहीं मिल रहा है, इसलिए पीयूसी नहीं बनेगा आज। बट देखते हैं दूसरी जगह पे अगर मिल गया तो वहां पे करेंगे, नहीं तो इन्होंने बोला है कि कल कॉल करके देखे। ये वैसे भी अपना जुलाई तक चलने वाला है यार, कर लेंगे बीच में कहीं। उरी बाबा ये देखो भाई साहब, कब से बारिश चल रही है, वही देखो पेड़ कितना नीचे आ गया है। अरे बाप रे, मॉप से साफ कर उसको, उसको सीधा कर रहे लगा के। अरे वहाँ पर ये देखो, ये पूरा वजन से नीचे आ गया यहाँ तक। कितना बाकी, इतना ही बाकी है। आज तो बारिश है भाई मस्त, कितना अंधेरा हो रहा है बाहर। ये हमारा देखो हेलमेट पहन के घूम रहा है। थैंक यू। और ये थोर भी देखो क्या जबरदस्त काम कर रही है आज। थोर भी ने सारे बीज सॉर्ट करके रखे हैं, और बीज में ये जो है, हाँ ये सिलिकॉन वाले जो सैशे है ये डाल के रखे हैं, ताकि बीजों को ये ना लग जाए, क्या फंगस ना लग जाए। गुड। और ये वरद ने डाले, ये देखो यहाँ से निकाल निकाल के वरद दे रहा है थोरवी को सिलिकॉन के सैशे, और तब जाके थोरवी डाले, नहीं तो थोरवी को कहाँ अकल है इतनी, सारी अकल तो इसको बांट दी है भगवान ने। तो अब अपने पास है ना बहुत सारे बीज हो गए, मैं नाम लेता हूँ जितने पॉसिबल होंगे उतने। ये शिवन का है, ये है, ये क्या है, बहावा का है, ये है अपने खजूर का, ये इमली का है, ये बाम्बू का है। बाम्बू के देखो कितने सारे बीज है, मुझे तो लगता है यही 2 लाख बीज है बाम्बू के। ये इमली के है, ये करंजा के है, ये सुबाबुल के है, ये है गुलमोहर के, ये है बनियान ट्री अपना जो बरगद का होता है वो,
यहाँ पे और है, यह खैर के, यह एन के, यह मैंगो के, इतने सारे बीज हो गए हैं भाई साहब अपने पास। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और ज़्यादा बीज आने वाले हैं। तो हम जब ट्रिप शुरू करेंगे तो रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए बीज लेके रखे हैं उन्होंने, तो हम जाते जाते वो भी कलेक्ट करने वाले हैं। तो मज़ा आ रहा है, अब एक्साइटमेंट लेवल हाई हो रहा है जैसे जैसे ट्रिप नज़दीक आ रही है वैसे वैसे। और एक ख़ास बात जो आज सुबह सुबह ही पता चली है कि दुर्गेश भाई को टिकट मिल गया है, तो वो भी आ रहे हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि यार एक से भले दो, दो से भले पूरा मोहल्ला, पूरा जिला लेके चलो और पेड़ लगाओ। ये जो है ना, ये है बांबू के बीच। बांबू के बीच की एक खासियत ये होती है, मतलब खासियत बोल सकते हो या फिर और क्या गुणधर्म बोल सकते हो, ये बहुत रेयर होते हैं। मतलब एक पेड़ में 40 साल के बाद ये बीज आते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी फॉरेस्ट ऑफिसर से, तो उन्होंने निकाल के रखे थे मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगर मिलते हैं वो तो मैं उनको भी आपसे मिलवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही ये सारे बीज मुझे ला के दिए हैं। और ये अलीबाग ऑफिस, अलीबाग के फॉरेस्ट ऑफिसर जो है, आरएफओ जो है यहाँ के, उन्होंने ये सारे बीज मुझे दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मस्त सुबह से बारिश चल रही है यार, वाह। थोड़ी देर के लिए शांत हुआ था बट अब फिर से शुरू हो गया है। जिस जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास रचा है, आजकल दुनिया मुझ पे भी हंस रही है। तो शायद ये अपना इतिहास बन जाएगा, है ना। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का बहुत सारा, मतलब 90% काम हो चुका है अपना, और दुर्गेश भाई भी कल सुबह वहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे आते आते वो 11 तारीख तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अपनी ट्रिप का ऑलमोस्ट सारा प्रिपरेशन हो चुका है, अब सिर्फ दुर्गेश भाई के आने की वेट कर रहा हूँ। वो आ जाएंगे तो निकल जाएंगे। और भरत, आज बारिश है ना, मज़ा आ रहा है ना, साइकिल चलाए गाड़ी बारिश में नहीं चलोगे। तो इसको आज भी बीच पे जाना था और आज ना बारिश रुक ही नहीं रही है, नहीं तो इसको लेके जाता था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो चलो, आप अपना और अपनों का ख्याल रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। तो चलो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फील द लाइफ। इतना लेट करता है।